हेलो नमस्कार दोस्तों, 27 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ साइड में जो छोटा एडिटोरियल आर्टिकल आया है ये बेसिकली आया है पाकिस्तान में भी इलेक्शन है उस चीज़ को लेकर, और यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल फ्रंट पेज पर ये भी आया है पाकिस्तान में जो भी नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं इमरान खान उस चीज़ को लेकर। देखो इन दोनों आर्टिकल में कुछ पॉइंट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे चल क्या रहा है। जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इस बार के इलेक्शन है उनको डर्टीएस्ट ऑफ द हिस्ट्री इलेक्शन बताया गया पाकिस्तान में, कि इस बार वहाँ पर देखा जाए तो डेमोक्रेसी है वो तार तार हो गई है। वहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर एक्चुअली जो मिलिट्री रूल है वो स्थापित किया जा रहा है, वो सारे पॉइंट्स वगैरह हमने पहले भी डिस्कस वो किए हैं। तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट का है, थोड़ा सीनेरियो हम एक बार देख लेते हैं। देखो अभी रिसेंटली बता दूँ आपको, पाकिस्तान में जो इमरान खान है इनकी एक पार्टी थी जिनका नाम था तहरीक इंसाफ। ये तहरीक इंसाफ है इसको एक्चुअली यहाँ पर मेजोरिटी है वो मिलने की बात है, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनने वाले हैं। तो क्या 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 डायमेंशन वगैरह रहेगी वो यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। तो देखो पहले तो इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधलीबाजी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो वोटिंग का जो एक तरह से काउंटिंग थी वो कई जगह मैनुअल हुई थी। तो उस दौरान एक्चुअली जो आतंकी संगठन है या बोल सकते हो कि इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक्चुअली धांधलीबाजी की और उनको मतलब उनको कहीं ना कहीं जिताया वगैरह, ये सारा सीन चल रहा है। इसके साथ ही फिर और भी काफ़ी सारे डायमेंशन यहाँ पे दी गई हैं। तो दोनों आर्टिकल से जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बेसिकली इसमें दो चार पॉइंट्स आपको मैं और बताऊं, तो एक तो इसमें यह बताया गया कि देखो अभी वहाँ पे आर्मी है और जहाँ की वहाँ की जो ISI एजेंसी है वो दोनों मिलके बेसिकली वहाँ पे काम कर रही हैं और डेमोक्रेसी को उन्होंने अच्छे तरीके से दबा के रखा है। और जो इमरान खान है वो कहीं ना कहीं आर्मी के सपोर्टर में ही है, इसीलिए आर्मी उनको सपोर्ट करती है और आर्मी चाहती है कि भाई वो वहाँ पे प्रधानमंत्री बने, ताकि आर्मी जो अपनी मनमर्जी है अपनी जो मनमानी रूल है वहाँ पे करवा सके। देखो फिर यहाँ पे बताया गया इसमें आर्टिकल में कि नवाज शरीफ हैं वो एक्चुअली वहाँ पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस लगाए गए उन पर और उनको कहीं ना कहीं नज़रबंद किया गया। फिर उनको जो बेसिक फैसिलिटी है जेल वगैरह में वो भी उनको प्रोवाइड वो नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे प्रेशराइज है वो किया गया और उनको दबाया गया कि भाई वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट वगैरह ना करें। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। फिर आर्टिकल में दो तीन डायमेंशन ये भी बताई गई हैं कि देखो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस चीज़ का फायदा भी देखा जाए तो चाइना को कम पाकिस्तान को कम बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका मेन बेनिफिट है वो चाइना को होने वाला है। तो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान है उसमें चाइना की डोमिनेंस वो बढ़ने वाली है और उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आगे इशू है वो आने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बात की जा रही है कि देखो भाई अब जो नई पार्टी बन के आई है इसे सबसे बड़ा चैलेंज अगर देखा जाए इसके सामने तो है IMF का चैलेंज। IMF का क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चैलेंज की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो सीन ये है कि अभी पाकिस्तान है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो सीन है वो अभी घाटे में चल रहा है, मतलब वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो आने वाला है। जिस तरीके से आपको पता है कि इंडिया में 1991 के टाइम पे जो क्राइसिस आए थे तो इंडिया को IMF वगैरह से लोन मिला था बड़ी मुश्किल से, या आप बोल सकते हो कि जो यूको का बैंक है यूरोपियन यूनियन का वहाँ से भी इंडिया को थोड़ा बहुत लोन है वो मिला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। मतलब क्या था, सीधा सीधा मतलब उसका ये था कि इंडिया के पास फॉरेक्स जो वो खाली हो गया था, इंडिया के पास बाहर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं था। जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हो गई जैसे कि तेल वगैरह हो गया, फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बाहर से इंडिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया के पास फॉरेक्स जो बचा ही नहीं था। तो सेम वही हालात अभी पाकिस्तान के यहाँ पे और के हैं। तो राइटर बता रहे हैं कि देखो वो जो नए राइट यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इमरान खान, इनको कुछ ना कुछ स्टेप वो यहाँ पे लेके चलने होंगे और इस चीज़ की तरफ फोकस करना होगा कि किस तरीके से IMF के द्वारा लोन वगैरह लेके और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस आने वाले हैं उनसे निपटा जा सके। ये एक उनके लिए बिग डील है वो यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो जो भी अगर सीनेरियो हम एक तरीके से देखें तो अभी इन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा इमरान खान ने कि उनका मेन मुद्दा ये रहेगा कि भाई जो कश्मीर का इश्यू है उसको जल्द से जल्द सोल्व है वो किया जा सके। तो उन्होंने कहा भी कि अगर इंडिया चाहे तो वो कश्मीर के मुद्दे को सोल्व करने के लिए तैयार है। जब तक दोनों पार्टी देखो आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं करेंगी तब तक कश्मीर के मुद्दे का सोल्यूशन नहीं हो सकता, और रियल में यही सोल्यूशन है कि दोनों पार्टियों को या दोनों आप बोल सकते हो देशों को आमने सामने आना होगा और बातचीत करनी होगी, तभी इसका सोल्यूशन है। ना तो लड़ाई से सोल्यूशन है और ना कोई दूसरा ऑप्शन है, बातचीत के अलावा कोई यहाँ पे ऑप्शन है वो बचता ही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिखे हैं। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया कि भाई USA हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज वगैरह किया था टेररिज्म को लेके। देखो एक चीज़ अगर आप मानो, यहाँ पे पॉइंट सामने बताया गया है आर्टिकल में कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है आज के टाइम पर टेररिज्म के लिए, और इसीलिए वहाँ पर टेररिज्म वो लगातार बढ़ रहा है। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान वो तो तालिबान को भी डिवाइड करके रखता है कि गुड तालिबान बैड तालिबान। बैड तालिबान पाकिस्तान के लिए वो है जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करता है, गुड तालिबान वो है जो पाकिस्तान के
कहने पे जो मतलब उनके कहने पे सारों पे नाचता है, मतलब जैसे पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे अटैक करो, ये करो, वो करो, जो तालिबान ऐसी एक्टिविटीज़ करता है वो उनके लिए गुड तालिबान है। भाई तालिबान तो तालिबान ही है, किसी ने किसी को नुकसान पहुँचा तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है यहाँ पे होने वाली है। तो राइटर बता रहे हैं कि देखो अभी एक नया ईरान आने वाला है, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं कि किस तरीके से इमरान खान है वो यहाँ पे काम करेंगे और एक नया पाकिस्तान का सपोर्टर सामने आने वाला है। देखते हैं इस आर्टिकल के साथ और नए पॉइंट्स हैं वो जब भी आगे आएंगे तो उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। बेसिकली इस आर्टिकल में देखो नोट्स लाइक कुछ है नहीं, तो मैंने आपको जो ब्रीफ सी हिस्ट्री थी, मोटा मोटा आइडिया था कि भी क्या चल रहा है, क्या हुआ रिसेंटली, तो वो हमने यहाँ पे बता दिए। बाकी आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं, क्या एक्शंस वगैरह आने वाले हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये थे दोनों आर्टिकल, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है यह है HIV एड्स के बारे में, तो इसे भी हम देखने वाले हैं धीरे धीरे। इसके साथ फिर आगे यहाँ पे जो आज आपको पता है फ्राइडे है, तो ये जो आर्टिकल है इसमें एक्चुअली राइट टू जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसके बारे में डिस्कस है वो किया गया है। तो देखो वैसे तो इस आर्टिकल के बारे में हम काफ़ी सारे पॉइंट ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट एक छोटी सी एक डायमेंशन है जो कि हम बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है उससे, और इसी के साथ IMF का भी एक आर्टिकल था उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि इन सबको मिला के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉइंट हैं नहीं नए जो हम कहीं यूज कर सकें, तो हम नए पॉइंट्स को यहाँ पे थोड़े डायमेंशन के तौर पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली USA को लेकर है कि वहाँ पे लिंचिंग और स्लेवरी हुई, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं वहाँ पे, स्लेवरी जैसे काम होते हैं उनको लेकर एक म्यूजियम है वहाँ पे, उस चीज़ के बारे में बताया गया। तो हमारे लिए कुछ काम करनी है तो हम इसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, फिर जो हमारा मेन है वो है HIV AIDS को लेकर जो आर्टिकल है इसे हम यहाँ पे डिस्कस है वो करते हैं। तो देखो बेसिकली अभी आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है एड्स के लिए जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV AIDS, तो इसका नाम है UNAIDS, यूनाइटेड नेशन एड्स, ये आपको ध्यान है वो रखना है। तो अभी इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट सामने आई है कि एड्स को लेकर ऑल वर्ल्ड में क्या स्टेप है वो चल रहे हैं, कैसी पोजिशन है सभी कंट्रीज वगैरह की। तो इसमें कुछ डाटा भी थोड़ा यहाँ सामने दिया गया है कि देखो अगर देखा जाए तो एड्स के लिए एक ट्रीटमेंट एक थेरेपी होती है जिसका नाम होता है ART थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये इसमें क्या होता है काफ़ी सारी मेडिसिन वो दी जाती हैं, तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जो काफ़ी सारी मेडिसिन दी जाती हैं उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट वगैरह भी होते हैं, और हेल्थ को खैर बचाया तो जाता है बट साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज के टाइम पर धीरे धीरे ऐसी मेडिसिन वो क्रिएट कर ली गई हैं कि जो बहुत जो बल्क में मेडिसिन लेनी पड़ती थी उनकी जगह एक सिंगल मेडिसिन या एक दो मेडिसिन से हम काम है वो चला सकते हैं। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ एड्स के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, बट ये है कि इसको आगे फैलाने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही इसको ये है कि भाई उसका इफेक्ट है वो कहीं मतलब ज़्यादा ना हो, बस जहाँ वहाँ तक ही इसको रोका जा सके। एड्स में होता क्या है, एड्स में होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं काम करना मतलब वो काफ़ी भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसकी जो सेल है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है जिससे हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। और होता क्या है अगर फिर उस दौरान हमें कोई भी बीमारी हो गई और दूसरी, तो वो क्या है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है एड्स में, बेसिकली ये होता है। जैसे कि मान लो कोई भी एड्स का पेशेंट है HIV का, अगर उसको TB हो गई तो क्या होगा, TB की मेडिसिन उस पर काम नहीं करेंगी, कोई और बीमारी हो गई तो उस पर उसकी मेडिसिन भी काम नहीं करने वाली, तो ऑल ओवर क्या हुआ मतलब कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पे कोई मेडिसिन वगैरह काम ही नहीं करने वाली, तो उससे क्या होता है वो बीमारियों का घर बन जाता है और फिर उसकी डेथ है वो हो जाती है। तो बेसिकली ये इसमें एड्स में कॉन्सेप्ट वो यूज है वो होता है। अब इसमें थोड़ा ये बताया गया है कि देखो 2010 से 2017 के बीच में जो मेडिसिन यूज की जाती थी वो की जाती भारी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज है वो किया जाता था, बट आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मेडिसिन हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो गई हैं और काफ़ी अच्छी वेरायटी की मेडिसिन हैं वो आ गई हैं। और देखा जाए तो एड्स के मामले में ऑल ओवर वर्ल्ड ने काफ़ी अच्छे स्टेप हैं वो उठाए हैं यहाँ पे, जिनका बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला है। आज के टाइम पे देखा जाए हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर तो हर जिन 4 लोग अगर एड्स से पीड़ित हैं तो उनमें से 3 लोगों को पता है कि हाँ भाई उनको एड्स है, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि भाई उनको HIV AIDS जैसी गंभीर बीमारियां वगैरह हैं। इसके बाद में बताया गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 21.7 मिलियन लोग हैं जो कि ट्रीटमेंट है अभी ले रहे हैं। इसके बाद में बात की जा रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिला है, तो देखो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्चुअली एड्स के पेशेंट है वो मिले थे, बट आज के टाइम पे देखा जाए तो वहाँ पे अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन वो आई है, मतलब अफ्रीका में एड्स के पेशेंटों में भारी मात्रा में कमी आई है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसके साथ WHO ने भी काफ़ी हेल्प है, गाइडलाइन वहाँ पे सपोर्ट है वो की है। इसके साथ ही हम बताएं तो देखो फिर यहाँ पे एक अहम रीजन और आता है कि इंडिया के स्टेप की बात करें तो इंडिया ने भी एड्स को लेकर काफ़ी अच्छे स्टेप हैं
कोर्ट है, और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं वहाँ पे एक स्कीम भी चलाई गई थी, सनराइज स्कीम, जिसका मेन मोटो ये था कि एड्स को घेरना के कंट्रोल है वो किया जा सके। काफ़ी गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं, इसीलिए आज के टाइम पे इसका अहम काम होता है अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इंडिया में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं और उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। देखो पहले क्या होता था कि एड्स जैसी बीमारियाँ इनको क्या सोशल स्टिग्मा के तहत कनेक्ट किया जाता था, मतलब सोसाइटी में एक स्टिग्मा सा लग जाता था, एक धब्बा सा लग जाता था, तो लोग उससे दूर रहते थे, बातचीत वगैरह नहीं करते थे, कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता था। बट आज के टाइम पे जो अवेयरनेस कैंपेन है उनकी हेल्प से लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि भाई कोई छुआछूत जैसी कोई डिजीज़ नहीं है, तो लोग इस चीज़ को धीरे धीरे समझने लग गए हैं। और जो बात हम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का सिग्मा लग रहा था लोगों को, वो भी आज दूर हटने लग गया है, बोले लोग आज के टाइम पर समझदार हो गए हैं। बट यहाँ पे एक गंभीर इशू जताया जा रहा है, वो जताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो एड्स के पेशेंट हैं उनमें मैक्सिमली टीबी एक गंभीर बीमारी हो जाती है, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट होता है तो उस दौरान हैवी मेडिसिन लेनी होती हैं। अगर वो एचआईवी का अगर पेशेंट है और अगर उसको टीबी हो जाता है तो वो मेडिसिन वहाँ पर काम नहीं करती हैं और उसकी वजह से डेथ है वो हो जाती हैं। तो ऑल ओवर अगर वर्ल्ड में हम देखें तो टीबी के पेशेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिया के लिए मेजर प्रॉब्लम है कि टीबी है वो कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी कम है, वो नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट को टीबी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि टीबी है उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, और इसके लिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। इसके साथ साथ फ्री हेल्थ चेकअप जैसे प्रोग्राम्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट करने की बात है वो की गई है। राइटरी बता रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे जो अवेयरनेस फैल रही है ना, इसका मेन बेनिफिट ये हुआ है कि सोसाइटी से कहीं ना कहीं जो लोग एड्स के पेशेंट हैं उनको सोसाइटी आइसोलेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोग अब समझने लग गए हैं, फैमिली उनके साथ रहने लगी है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो कि उससे ये पता चल रहा है कि सोसाइटी में आज के टाइम पर अवेयरनेस का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसके बाद में बात यहाँ पे ये की जा रही है कि और भी जो गवर्नमेंट को स्टेप तो उठाने हैं, फिर यहाँ पे बात की गई है जो प्रोस्टिट्यूशन जैसे जो बिजनेस हैं इनको भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज घोषित कर रखा है, तो उसकी हेल्प से भी यहाँ पे काफ़ी कमी है वो देखने को मिली है। अभी हम बात करें IPC की धारा 377, तो उसको लेकर भी आपको पता है कैसा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इन चीज़ों का क्या मतलब है, आपको पता है कि गे सेक्स वगैरह है वो इंडिया में अभी क्रिमिनलाइज है, वो घोषित किए गए हैं, प्रोस्टिट्यूशन है वो भी इंडिया में अभी देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से क्रिमिनलाइज है वो घोषित किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि इंडिया है वो एड्स से लड़ने के लिए काफ़ी सारे स्टेप हैं वो उठा रहा है, और इसके साथ ही और तरह के प्रोग्राम है, अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम है, फ्री मेडिसिन वगैरह हैं, हेल्थ चेकअप वगैरह हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हैं वो करवाए जा रहे हैं। फिर यहाँ राइटर ये बता रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाला फंड है वो लेके आना चाहिए, इसमें क्या कि सभी लोगों का ट्रीटमेंट होगा तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास एक क्लियर डाटा हो जाएगा, देखो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट के पास सभी लोगों का डाटा होगा, लोग फ्री में चेकअप वगैरह करवा लेंगे तो पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि हमारे देश की रियल हालात ये है, हमें कितना क्या पैसा कहाँ है, हेल्थ में कहाँ कहाँ खर्च है वो करना होगा, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो एक्स्ट्रा बर्डन है उससे भी हम कम है वो कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में बताए गए हैं, तो उनको हमने एक बार वो देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, मशीनी दिमाग के बारे में बेसिकली इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस वो किया गया है। देखो जो रोबोट हैं या फिर आप देख सकते हो कि जो एप्पल फ़ोन में सीरी आता है या फिर गूगल असिस्टेंट वगैरह आता है एंड्रॉयड फ़ोन में, वो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड है वो करने वाला है, मतलब फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें वो आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। राइटर बता रहे हैं कि देखो इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा स्कोप है, सभी कंट्रीज़ हैं इस दिशा में लगी हुई हैं, हर कंट्री चाहती है कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में मुकाम है या एक तरीके से सफलता है वो हासिल की जा सके। लिए देखो बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब दो चीज़ें आ गई थी तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिवोल्यूशनरी भरी लाइफ है वो जीने को मिली थी। एक तो फायर का, जब आग का आविष्कार हुआ था, और जब बिजली का आविष्कार हुआ था, तो इन दोनों ही चीज़ों ने हमारे लाइफ को काफ़ी ईजी है वो बना दिया, और इसीलिए आज हमारी जो लाइफ है उसको यहाँ पर ईजीली मतलब जीते हैं। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो आज के टाइम पे डिफरेंट जो इनोवेशन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो रियल लाइफ से काफ़ी कनेक्ट होती है, जो काम हम करते हैं वही काम बस मशीन से करवाना है। जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं कि यार आप ठीक है मेरे को खाना खाना है, अब ये काम करना है, इस चीज़ का सोल्यूशन मैं ऐसे कर सकता हूँ, वही काम अगर सारी मशीन करने लग जाए, खैर खाना खाने की बात नहीं, मतलब जिस तरीके से एक इंसानी दिमाग सोचता है उसी तरीके से अगर एक मशीन सोचने लग जाए तो वो हो गई यहाँ पे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस चीज़ को अगर सपोर्ट करना है तो हमें रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ना होगा। अगर हम मशीन बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, तो उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो सोचे। इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो देखा जाए तो गूगल हुआ, अमेजोन जैसी कंपनीज हैं वो लगातार इस एरिया में लीड लेने की कोशिशें वो कर रही हैं। गूगल अमेजोन के अलावा और भी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, नेक्सेस हुआ, और भी बाकी कंपनीज हैं, वो खैर इस समय कदम उठा रही हैं, बट ये दोनों कंपनियां काफ़ी आगे धीरे धीरे तरक्की वो कर रही हैं। इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो आगे आने वाला
जो ईरा है या आगे आने वाला जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही निर्भर करने वाला है। जिस कंट्री के पास जितनी अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी उस कंट्री के पास उतनी अच्छी पावर है वो होने वाली है, क्योंकि आज के टाइम पे आगे आने वाला जो टाइम है उसमें जो देखा जा रहा है कि किस तरीके से स्पेस के अंदर भी आर्मी बनाने की बात होकर जा रही है, इसके साथ देखा जा रहा है कि रोबोट है उनको वॉर में यूज किया जाना है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंसान का जो हस्तक्षेप है उसको कम करने की बात है वो की गई है। इसके बाद में बात अहम एक क्या आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर हम बात करें तो एक सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है डाटा। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हमें क्रिएट करना है तो हमारे पास एक बहुत बड़ी मात्रा में डाटा होना चाहिए, मतलब बिग डाटा होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को यूज वो कर सकते हैं। और जब बिग डाटा हमारे पास होता है तो उसको हमें एनालाइज भी करना होता है, मतलब उसको प्रोसेस करना होता है, सारे डाटा को हमें रिकवर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिवाइज करना होता है, तभी उसका हम ढंग से यूज है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अहम बात ये आ रही है कि देखो वेल्थ ट्रांसफर की एक फंडा यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया है कि फ्यूचर में जिस कंट्री की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी अच्छी होगी उसी के पास वेल्थ है वो जनरेट होगी। जैसे कि देखो अभी आपको बताऊं जो इंडिया की टॉप कंपनी कौन सी थी, इंडिया की टॉप कंपनी थी फ्लिपकार्ट, बट उसको अभी वॉलमार्ट ने एक्वायर है वो कर लिया है, तो मतलब इंडिया के पास देखा जाए तो डेटा था बहुत बड़ी मात्रा में वो था फ्लिपकार्ट के पास, बट उसको भी वॉलमार्ट ने खरीदे, इसका मतलब क्या हुआ सारा जो डाटा है इंडिया का फ्लिपकार्ट कंपनी का वो धीरे धीरे वॉलमार्ट के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो वॉलमार्ट कंपनी क्या कर सकती है, अपने एक तरीके से देख सकती है कि फ्यूचर में भाई कैसी डिमांड है इंडिया के लोगों की, उसके मुताबिक वो चीज़ें प्रोड्यूस करके इंडिया में बेच सकती हैं, तो उससे क्या होगा कि इंडिया के जो बिजनेस हैं उनको नुकसान भी हो सकता है एक तरीके से। यहाँ पे राइटर दोनों डायमेंशन खैर बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। देखो जिस तरीके से अंग्रेज क्या करते थे पुराने टाइम पे, अंग्रेज लोग ये तो होते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे फिर पक्की हुई चीज़ें इंडिया में देते थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है वो एल्गोरिथम का पता कर लेंगे, जैसे कि मैंने आप एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे कि हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग की बातें करते हैं तो हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो फिर उसी चीज़ का बार बार हमें एडवर्टाइजमेंट वो दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जो चीज़ सर्च की है वो वहाँ के सर्वर को पता चल गई है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि भाई इस इंसान की ऐसी ऐसी चॉइस है, तो उसी से रिलेटेड हमें चीज़ें दिखाता है। जैसे कि हमने ये मान लो कि हमने देख लिया कि 500 रुपये से नीचे की हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी, तो वो उसी से रिलेटेड चीज़ दिखाएगा। क्यों, क्योंकि वो उन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग ऐसी सेट कर रखी है कि भाई जैसा कस्टमर चाह रहा है उसी के मुताबिक। तो अगर ये मानो कि इंडिया की जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसमें हम कोई भी चीज़ ऐसी सर्च करें कुछ भी करें तो उनको तो पता चल जाएगा वॉलमार्ट कंपनी को ऑब्वियसली कि भाई ये लोग ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हैं इंडिया में इस चीज़ की डिमांड है, तो उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट तैयार करके इंडिया में बेचेंगे। अभी इंडिया को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि इंडिया ने इस चीज़ के लिए डाटा क्रिएट ही नहीं किया है, तो इसलिए राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया को भी इसके लिए स्टेप उठाने चाहिए और इंडिया को भी बिग डाटा एनालिसिस के लिए नई प्रक्रिया वो लेके आनी होगी। देखा जाए तो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लगभग अभी तक 100 के आसपास इंजीनियर वो कहाँ पे काम है वो कर रहे हैं, तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो बहुत कम मात्रा है, काफ़ी अच्छा स्कोप है इंडिया के लिए सेक्टर में और इंडिया को क्षेत्र में लीड रोल है वो हासिल करने की एक जरूरत है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पर लेके, तो इसके साथ जो हम एक अलग से आर्टिकल वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा उस आर्टिकल को हम देख लेते हैं बेसिकली, तभी हमें सारा सीन समझ में आ जाएगा। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक 2005 है उसमें गवर्नमेंट अभी बदलाव वो करना चाहती है, राज्यसभा से बिल है वो पास बेसिकली हो गया है। अब इसमें है क्या इशू सारा वो हम देखते हैं, गवर्नमेंट क्यों डायल्यूट करना चाहती है, क्या इसके विपक्ष में तर्क है, सारा माजरा हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो बात यह है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं ना उनका बेसिकली कार्यकाल होता है या तो 65 ईयर तक या फिर 5 साल तक, तो एक तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए ध्यान है वो रखनी है। अब इसमें ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक कहना ये है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ना उसकी जो सैलरी या जो और काम है ना वो इलेक्शन कमीशन की तरह ही है, तो इसलिए वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये तर्क दे रही है कि भाई जो इलेक्शन कमिश्नर है ना वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मुताबिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन कमीशन की सैलरी वगैरह तय करोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टैचुरी बॉडी हुई है, तो उसके मुताबिक तो इसकी सैलरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसकी थोड़ी अलग से वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए इन दोनों की सैलरी है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए और दोनों की पावर है वो भी एक साथ नहीं होती, दोनों की पावर है वो अलग अलग होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे फोकस है एक तो वो क्या गया है, तो इस चीज को लेके फिर यहाँ पे राइटर एक अपना पॉइंट भी दे रहे हैं। राइटर ये कह रहे हैं कि देखो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिकल 324 है उसके तहत है वो इलेक्शन कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है, जबकि इन्फॉर्मेशन कमीशन है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई सीन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बट राइटर यहाँ पे एक चीज ये कहते हैं कि जो यूपीएससी है यूपीएससी के जो पर्सन होते हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत ही आते हैं, तो उनकी जो सैलरी वगैरह है वो फिर उसके मुताबिक क्यों नहीं हो रही, भाई उनकी सैलरी है वो अलग से क्यों रखी गई है, फिर उनकी सैलरी भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मुताबिक ज़्यादा होनी चाहिए ना, बट वहाँ पे उनको फोकस नहीं किया गया, वहाँ पे उनकी जो सैलरी है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वहाँ तक के मुताबिक ही यूपीएससी के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनकी सैलरी होती है। अब भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अगर यूपीएससी, और यहाँ पे बात करें इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए अगर आप जो कह रहे हो, तो राइटर का ये तर्क दिया जा रहा है कि आप ऐसा
ऐसा तर्क नहीं दे सकते जो इनलॉजिकल है, क्योंकि या तो आप एक तरीके से यूपीएससी के जो मेंबर की सैलरी है या तो उसको फिर आप चेंज करो, और या मतलब आपको यहाँ पे क्लियरिटी लेके आनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है अभी अपनी मनमर्जी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि भाई वो कहीं ना कहीं एक तरह से हवाला दे रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम पर, बट राइटर इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं। राइटर का जैसे मैंने एक बार आपको फिर बताता हूँ कि यूपीएससी के जो आपको बताया यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यूपीएससी के मेंबर की सैलरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से आप बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जो सैलरी होती है उसी के मुताबिक होनी चाहिए यूपीएससी के मेंबर की सैलरी, बट यूपीएससी के मेंबर की जो सैलरी है रियल में वो होती है ज्वाइंट लेवल के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके लेवल की। मतलब कहीं ना कहीं सैलरी में भी भेदभाव हुआ यहाँ पे किया जा रहा है। तो राइटर का ये कहना है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो तर्क दे रही है वो काफ़ी इनलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो इन्फॉर्मेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अब आपको पता है फंडामेंटल राइट हो गया तो ऑब्वियसली से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देना चाहिए और उसके आधार पे इसकी सैलरी वगैरह कम नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो मतलब कहीं ना कहीं राइटर का यही फोकस है कि जो आरटीआई एक्ट को गवर्नमेंट डायल्यूट करना चाहती है वो यहाँ पे सही नहीं है। हाँ फिर राइटर ये चीज़ बता रहे हैं कि देखो तो बेसिकली कमियाँ जरूर है, ऐसा नहीं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कमियाँ नहीं है, उन कमियों को हमें दूर है वो करना होगा। कमी जैसे उन्होंने एक तो ये बताई है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में उसमें काफ़ी असंदिग्धताएं होती हैं, मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं होती है। कई बार जो भी अथॉरिटी रिपोर्ट देती है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है वो काफ़ी लंबी रिपोर्ट देती है और ऐसी अनरिलेवेंट रिपोर्ट वो प्रोवाइड करवा देती है कि अगले ने जो चीज़ मांगी है वो उससे रिलेटेड ही नहीं होती है। इसके बाद में एक बात ये होती है कि कई बार जो इन्फॉर्मेशन उनको काफ़ी डिले किया जाता है। इस साल किसी ने पिटीशन डाली कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आरटीआई है वो एक दो साल बाद उसको मिलती है। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि इन्फॉर्मेशन है उसमें देने से मना कर दिया जाता है। कई बार ये हवाला दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसलिए हम ये आपको इन्फॉर्मेशन वो नहीं देने वाले हैं। मतलब राइटर बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखो रूल रेगुलेशन सब कुछ क्लियर होने चाहिए, हर मामले को लेकर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी असंदिग्धता नहीं होनी चाहिए ताकि मामले का मिसयूज है यहाँ पे किया जा सके। लिए फिर राइटर ये बता रहे हैं कि देखो ये तो वही बात हो गई ब्रिटिश इरा वाली कि ब्रिटेन वाले लोग ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था, कहते थे कि नहीं भाई सिक्योरिटी का इश्यू है तो वो इंडिया के लोगों को सप्रेस कर देते हैं, तो सेम उसी तरीके से आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट है लोगों को सप्रेस कर रही है, तो वो कहीं ना सही नहीं है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी की तरफ हमें कदम है वो बढ़ाना होगा, तभी सही सोल्यूशन यहाँ पे निकल के सामने आने की बात है वो की गई है। तो ये सारी बात यहाँ पे सामने आई है। इसके साथ ही आज के राइट जो एडिटोरियल है इसमें एक दो पॉइंट और हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है इंडिया में उसका लेवल सही नहीं है। राइटर के मुताबिक ये है कि जो भी इंडिया में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसकी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब उसका डिफरेंट एंगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए। फिर जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए, ना कि एक्स्ट्रा जो चीज़ चाहिए मतलब सटीक पॉइंट पर इन्फॉर्मेशन देने की बात हो की जा रही है। तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि हमें जो वाइड एंगल लेना होगा बिग डाटा के लिए, मतलब हमें काफ़ी बड़ा डाटा वो कलेक्ट करना होगा, फिर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत डाटा है वो प्रोवाइड करवाना होगा। तो बेसिकली ये इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किए हैं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।